नमस्कार, मैं दीप्ति बुंदेलखंडी जायका में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ बची हुई रोटी से हलवा। जब भी रोटियाँ बच जाती हैं हम उनका या तो पोहा बनाते हैं या फिर और भी बच्चों को सॉस वगैरह लगाकर, मेयोनीज वगैरह लगाकर रोल बनाकर दे देते हैं। पर आज मैंने बिल्कुल नए तरीके से बनाया है बुंदेलखंडी स्टाइल में रोटी का हलवा। आप इसे देख कर क्या खाकर भी नहीं पहचान पाएंगे कि इसको रोटी से बनाया गया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और यकीन मानिए आप उसके बाद कभी भी ठंडी रोटियों को मिसयूज़ नहीं करेंगे, उनका हमेशा इसी तरह से इस्तेमाल कर लेंगे। और इस रेसिपी को लास्ट तक देखिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल का नाम है बुंदेलखंडी जायका, आप उसे सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको बताती हूँ मैंने ये यम्मी और टेस्टी रोटी का हलवा कैसे बनाया है। तो चलिए मैं आपको इस रोटी के हलवे की रेसिपी बताती हूँ। मैंने यहाँ पर ठंडी रोटियाँ ली हैं। अक्सर ऐसा होता है एक दो रोटी तो बची जाती हैं और इन रोटियों को ज़्यादा ऑयल वगैरह का भी इस्तेमाल करो ठंडी रोटियों में तो भी नहीं अच्छा लगता है। मैंने यहाँ पर ले लिया है जार और मिक्सी के जार में इन रोटियों के मैं इस तरह से टुकड़े करके डाल दूंगी और लगा दूंगी मैं इसके एक चक्कर। लीजिए, मैंने रोटी को मिक्सी में डालकर थोड़ा सा घुमा लिया है और ये काफ़ी महीन हो गई है। अब हम इसको साइड में करेंगे और लेंगे कढ़ाई। मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है और पैन में लेंगे हम सिर्फ एक चम्मच घी। आप इसको बटर में भी बना सकते हैं और चाहें तो रिफाइंड में भी बना सकते हैं। बस इसे हमें तेल में नहीं बनाना है, तेल में बनाएंगे तो अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। नॉर्मली ठंडी रोटियां बच जाती हैं, हम रोल बना लेते हैं या रोटी का पोहा भी मैंने डाला है अपनी आगे जो मेरी चैनल है उसमें मैंने डाला हुआ है रोटी का पोहा, वो भी आप देखिए बहुत टेस्टी बना है। मैंने यहाँ पर घी गरम कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, मैंने जिन रोटियों को मिक्सी के जार में पीस के रखा है इस तरह से, इस घी में हम उनको अच्छे से फ्राई करेंगे। इस तरह से घी में रोटियां फ्राई करने से बिल्कुल अलग फ्लेवर आ जाता है और इन रोटियों का टेस्ट यकीन मानिए बहुत बढ़ जाता है। खाने वाले को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा कि हमने इसको रोटी से बनाया है या ये रोटी से बनी हुई रेसिपी है। वैसे तो रोटियां ही हम बहुत अच्छे से पकाकर बनाते हैं लेकिन इसको इस तरह से अगर हल्का सुनहरा भून लेंगे घी के साथ तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। ये देखिए मैंने इसको इस तरह से इतना रोस्ट कर लिया है हल्का गुलाबी। इस जगह पर आकर बंद कर देंगे हम आँच को जब हमारी रोटियाँ इस तरह से हल्की गुलाबी सी भुन जाएंगी। और अब मैं इसमें मिलाऊंगी चीनी। चीनी मैं यहाँ पर ले रही हूँ लगभग 100 ग्राम। आप जितना भी मीठा पसंद करते हैं आप अपने स्वाद के अनुसार मिला लें। मैंने यहाँ पर 4 रोटियों में 100 ग्राम चीनी का इस्तेमाल किया है। ये पर्याप्त मीठा होता है, ना ज़्यादा मीठा बनता है और ना ही फीका बनता है। 4 रोटियों में इतनी चीनी पर्याप्त होती है। और ध्यान रखिए चीनी जब डालें तो आँच को हमेशा बंद कर दें। साथ में ही मैं इसमें मिलाने वाली हूँ 2 चम्मच मिल्क पाउडर, जो भी आपके पास हो, जिस भी फ्लेवर का आप मिला लें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच मिल्क पाउडर इसमें ऐड कर दिया है। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आपका मिल्क पाउडर अगर सादा हो तो आप इसमें 2 इलायची का पाउडर भी मिला सकते हैं। मेरा ये वनीला फ्लेवर का था इसलिए मैंने इसमें इलायची वगैरह कुछ भी नहीं मिलाई है। और अब मैंने यहाँ पर लिया है जिस कप से मैंने आधा कप चीनी डाली हुई थी उसी से मैंने यहाँ पर 1 कप पानी लिया है।
पानी थोड़ा सा मैं देख लेती हूँ मुझे यहाँ पर कितना ऐड करना पड़ेगा, और आंच को हम ऑन कर लेंगे। पानी डालने के बाद इसे हमें अच्छे से चलाना है। जब रोटियाँ ज़्यादा होती हैं तो थोड़ा सा पानी ज़्यादा लग जाता है, या हमें कितना थिक हलवा चाहिए उस हिसाब से हो जाता है। मैं यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर एक बाउल से मैंने पानी मिक्स किया है। अब इसको हम इसी तरह से चलाते हुए पकाएंगे, और आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा फूड कलर मिक्स कर सकते हैं, मैं भी मिलाऊंगी। यहाँ पर मैंने एक चुटकी फूड कलर ले लिया है। देखिए फूड कलर मिलाने के बाद कितना अच्छा हो गया है ये हलवा हमारा। कहीं से भी इसको कोई नहीं कह सकता है कि इसको हमने रोटी से बनाया है। और इसमें जो हम मिल्क पाउडर मिला देते हैं उससे तो यकीन मानिए बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। हम इसको थोड़ा सा तब तक पकाएंगे जब तक जो हमने घी डाला था रोटियों को, हल्का सा जब हम भून रहे थे, कल्हार रहे थे रोटियों को, तब मैंने जो घी डाला था वो अभी देखिए ऊपर आ जाएगा इसमें। लीजिए ये अच्छे से पक गया है, क्योंकि ये पैन की किनारियों को छोड़ने लगा है। अब हम आंच को बंद कर देंगे, और अब मैं इसमें इस तरह से ड्राई कोकोनट डाल दूंगी। मैंने कद्दूकस कर लिया है। ये देखिए बन गया ना रोटी का, सिर्फ एक चम्मच घी में लाजवाब हलवा।